बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। जो मेरे दोस्त सर में गंजपन की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अब उन्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज का जो नुस्खा मैं आप दोस्तों को बताऊंगा, उसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह सिर्फ 15 दिन के अंदर अंदर ही आपको रिज़ल्ट मालूम हो जाएगा। इंतहाई कम खर्च का और इंतहाई आसान सा नुस्खा बता रहा हूँ। मैं हूं हाफिज़ हकीम हिजबुल्ला और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अज़ीज़िया दवाखाना। गंजपन के अलावा इस नुस्खे के जो फ़वाद हैं, ये सरसों के तेल में सिर्फ एक चीज़ आपने मिलानी है, और किस तरह मिलानी है ये वीडियो में मैं आपको आप दोस्तों को बता देता हूं, और कैसे इस्तेमाल करना है और इसके और गंजपन के अलावा क्या फ़वाद हैं इस तेल के। ज़ख़म चाहे कैसा भी हो जिस्म पर, फोड़ा या फुंसी जिस्म पर कहीं भी हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद ये नुस्खा है। अल्लाह ताला के हुक्म से इंशाल्लाह इस तेल को जो भी लगाएगा उसे बिल्कुल शिफा होगी और गंजपन में दोबारा बाल आने शुरू हो जाएंगे। तो नुस्खा बताने से पहले आप दोस्तों से मेरी एक ही गुजारिश है, अगर आप दोस्त चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में जो भी बात पसंद आई हो वो ज़रूर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो आपने सबसे पहले करना क्या है, सरसों का तेल ले लेना है 20 तोला यानी एक पाव। 20 तोला एक पाव तेल ले लिया सरसों का, उसे आपने कर लेना है गरम, आग पर गरम कर लें। गरम करने के बाद फिर उसे चूल्हे से उतार लें। जब वो कदरे ठंडा हो जाए, फिर उसके अंदर ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये कमेला, इसे कमेला कहते हैं। ये बआसानी आपको पंसार स्टोर से 10 रुपए में काफ़ी मिल जाएगा। आप 20 रुपए का ले लें, 2.5 तोला कमेला आपने ले लेना है, और उस ठंडे जो आपने गरम तेल किया था उसे ठंडा होने के बाद उसमें ये कमेला मिला दें। और ख़ास बात ये है कि आपने जब ये डाल देना है तो इसको जब हल करेंगे इसमें तो लोहे की कोई चीज़ ना हो, लकड़ी से इसे अच्छे तरीके से हल कर लें। और फिर आप जो है इसे अगर गंजपन का मर्ज है तो सर पे लगा लें रात में, और सुबह में आप धो लें। और अगर फोड़ा या फुंसी या ज़ख़म है तो उसके लिए, या ख़ारिश है तो उसके लिए आप रात को जिस्म पर लगा कर कपड़े दूसरे पहनकर सो जाएं, और सुबह उठकर उसे डेटोल से धो लें। इंशाल्लाह ये तमाम जितने भी मैंने इसके फ़वाद बताए हैं ये आप दोस्तों को ज़रूर हासिल होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।